प्रेरणा कथा। आपसे कुत्ते अच्छे हैं। एक बहुत ही क्रूर राजा था। वो किसी की भी गलतियों को क्षमा नहीं करता था। राजा ने 10 बहुत ही खूंखार कुत्ते पाल रखे थे। वो इतना क्रूर राजा था कि वो उन मंत्रियों को भी नहीं छोड़ता था जो गलतियां करते थे। वो अपने गलती करने वाले मंत्रियों को शारीरिक यातनाएं देता था और फिर उनको अपने कुत्तों के सामने फेंक देता था। कुत्ते उन मंत्रियों को फाड़ देते थे और खा जाते थे। एक दिन एक मंत्री ने एक सुझाव दिया जो राजा को गलत लगा। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने उस मंत्री को कुत्तों के सामने फेंक देने का आदेश दिया। मंत्री ने राजा से अनुरोध किया, महाराज मैंने 10 वर्षों तक आपकी सेवा की है, क्या यही मेरी इतने वर्षों की सेवा का परिणाम है? कृपया मुझे 10 दिनों का समय दीजिए। 10 दिनों के बाद मुझे कुत्तों के सामने फेंकवा दीजिएगा। राजा ने कुछ सोचकर उस मंत्री को 10 दिन का समय दे दिया। दरबार से बाहर आकर वह मंत्री तुरंत उस गार्ड से मिला जो कुत्तों की देखभाल करता था। उस मंत्री ने कहा, मैं 10 दिनों तक इन कुत्तों की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दे दो। वो गार्ड तो असमंजस में पड़ गया क्योंकि उसको समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद उस गार्ड ने उस मंत्री को कुत्तों की सेवा करने की अनुमति दे दी। उसी दिन से उस मंत्री ने कुत्तों की सेवा शुरू कर दी। वो उनके लिए खाने की चीज़ें लेकर जाने लगा। वो उनको नहलाने लगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम देने लगा। एक दो दिन में ही वो कुत्ते उस मंत्री को पहचानने लगे और उसकी प्रतीक्षा करने लगे। वो उनके लिए तरह तरह की खाने की चीज़ें ले जाता था। इसी तरह 10 दिन बीत गए। 10 दिनों के बाद वो राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। राजा ने उस मंत्री को कुत्तों के सामने फेंक देने का आदेश दिया। कुछ सिपाही उस मंत्री को पकड़कर कुत्तों के बाड़े के अंदर छोड़ आए। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए कि कुत्ते उस मंत्री को देखते ही पूंछ हिलाने लगे और उसके हाथ चाटने लगे। राजा तो हैरान हो गया। उसने गुस्से से कहा, ये कुत्तों को क्या हो गया, क्या ये कुत्ते पागल तो नहीं हो गए? तभी मंत्री ने कहा, महाराज इन कुत्तों को कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने उन कुत्तों की 10 दिनों तक सेवा की और ये अभी तक मुझे नहीं भूले हैं, लेकिन मैंने 10 वर्षों तक आपकी सेवा की और आप मेरी सेवा भूल गए और मेरी पहली गलती पर ही मुझे मृत्यु दंड दे दिया। राजा को अपनी गलती का आभास हो गया। वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसको ये ग्लानि होने लगी कि उससे तो उसके कुत्ते ही अच्छे थे। उसने तुरंत ही अपने मंत्री से माफ़ी मांग ली और उस दिन के बाद किसी को भी इस तरह का दंड न देने की घोषणा कर दी। मित्रों, जानवरों की वफादारी की बहुत सी कहानियाँ हम लोग सुनते ही आए हैं, परंतु मनुष्य की वफादारी की बहुत कम कहानियाँ हैं जो हर एक की जुबान पर हो। ताकत और सत्ता का दुरुपयोग गलत होता ही है, परंतु ये मान लेना कि सत्ता हमेशा कायम रहेगी गलत है। कहते हैं कि हम क्रमिक विकास से जानवरों से विकसित होकर मनुष्य बने हैं, परंतु हम अभी भी पूर्ण नहीं हुए हैं क्योंकि पालतू पशुओं की दुनिया में वफादारी मनुष्यों से अधिक ही होती है। बेचारे जानवर हमारे थोड़े से प्रेम से हमेशा के लिए हमारे हो जाते हैं, परंतु मनुष्य के लिए आप कुछ भी करते रहें, आप नहीं जानते कि कब आपको धोखा दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।